मैंने आपकी हर एक बात मानी, पूरी शिद्दत से आपकी भक्ति की, फिर भी मुझे हार मिला। वो भी वो कल की लड़की शक्ति से। आज धनतेरस के शुभ दिन पर आपने गौरी का फोटो मेरे पास पहुंचाया। क्या यही फोटो बनेगी शिव और शक्ति के बिछड़ने की वजह? क्या हुआ मंदिरा जी? आज पहली बार आपके चेहरे पर भय और अशांति दिख रही है। क्यों मेरी सारी कोशिशें बेकार होती जा रही है पुर्णेंदु जी? क्यों मैं शिव शक्ति को अलग नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से मेरा नसीब निकलता जा रहा है? अगर भाग्य को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करोगी तो ऐसा ही होगा। अपने मार्ग से तो भटकोगे ही, साथ ही साथ अपने लक्ष्य से भी दूर हो जाओगी। स्मरण रहे, शिव और शक्ति अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। तो तुम उन दोनों को अलग कैसे कर सकती हो? मानव जाति का उगम स्थान है शिव शक्ति, ब्रह्मांड का केंद्र है शिव शक्ति, और जीवन की उत्पत्ति है शिव शक्ति। तो तुम उनको अलग कैसे कर सकती हो? तो क्या करूं मैं, आप बताइए क्या करूं मैं? अपनी जान ले लूं क्या? शिव शंभो, शिव शंभो, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उस शक्ति और उसकी ऊर्जा को, जो मंदिरा खुद को भगवान से कम नहीं समझती थी, आज शक्ति की वजह से एक साधारण मनुष्य की तरह असहाय और निर्बल दिख रही है। पुर्णेंदु जी, उस शक्ति का नाम बदल लीजिए। नाम तो लेना ही पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार लेना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति ही पार्वती थी और शक्ति ही सती थी। सोचिए, आखिर महादेव और सती अलग क्यों हुए? क्यों? क्योंकि इसी कथा के अंदर तुम्हारी परेशानी का हल है। माता सती ने भी महादेव की आज्ञा का उल्लंघन किया था। बिना निमंत्रण तक्ष के यज्ञ में वो चली गई थी और फिर उसी यज्ञ की अग्नि में अपने जीवन की आहुति दे दी थी, क्योंकि वो अपने पति महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई। तुझे साफ साफ बताइए, अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि माता सती और महादेव पहले पास आए और फिर अलग हुए, और उसके बाद माता सती ने सैकड़ों वर्ष तक अखंड तप और व्रत किए ताकि वो महादेव को पति रूप में दोबारा पा सके, और फिर उन्होंने धरती पर नया अवतार लिया माता पार्वती का। कुछ समझी? अगर शिव और शक्ति को हमेशा के लिए अलग करना है तो पहले उनको एक होने दो, और फिर वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। उसी दक्ष के यज्ञ की अग्नि में शक्ति को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, जलकर भस्म हो जाएगी। अरे, जब वो मिले ही नहीं तो अलग कैसे होंगे? मिलन होगा तभी तो बिछोड़ा होगा। मैं कैसे मिलाऊं शिव शक्ति को? मैं लगता है तुम्हें सिरा मिल गया। अब अपनी आंखें बंद करो,
आंटी जी? आंटी नहीं, चाची सास। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे शिव के लिए सिर्फ तुम ही परफेक्ट हो। अब क्या दिख रहा है? भोलेनाथ की कृपा। भोलेनाथ ने रास्ता दिखाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पुण्यतु जी, जब तक शिव शक्ति मिलेंगे नहीं, बिछड़ेंगे कैसे? क्या कह रही थी वो शक्ति? कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी निगाहों में अगर सबसे बड़ा कोई जुर्म है ना, तो वो है झूठ। और हम झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब शिव की जिंदगी का झूठ तो मुझे पता है, शिव की जिंदगी का राज मुझे पता है, और अब वही राज, वही झूठ बनेगा वो हवन कुंड, जिसमें आज की सती शक्ति शर्मा जलकर राख हो जाएगी। अगर शिव और शक्ति को अलग करने का एक ही तरीका है, उनकी शादी, तो मैं कराऊंगी उनकी शादी। तो सोच लो, जिसको दुनिया में नहीं देखना चाहती थी, उसको अपने घर पर ला पाओगी? ला पाऊंगी। जिसको एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या उसको दिन रात चारों पहर अपनी आंखों के सामने देख पाऊंगी? देख पाऊंगी पुर्णेंदु जी, देख पाऊंगी। अमृत पाने के लिए जहर का घूंट भी पीना पड़ता है। नीलकंठ भोलेनाथ ने भी पिया था, तो मैं भी पीऊंगी। लेकिन शिव और शक्ति की शादी मैं करा के रहूंगी। तुम ही तो हो शिव का वो राज, शिव की जिंदगी का वो झूठ। अब जिस अतीत के गहराई से तुम वापस आई हो, कुछ दिनों के लिए वही ठहर जाओ। क्योंकि अब मैं शिव शक्ति की शादी कराऊंगी, फिर कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी में रोशनी लाऊंगी, खुशियां लाऊंगी। फिर होगी तुम्हारी एंट्री गौरी, और शक्ति की हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट। डॉक्टर शिव, हम आपको जो बताना चाहते हैं ना, आप प्लीज उसे अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि बात यहाँ आपके भाई और हमारी दीदी की हो रही है। नंदू, कीर्तन और रिमझिम। शादी वाले दिन कीर्तन ने दी को फोन किया था, और मैं कल आऊंगा और सही मौका देखकर तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर शिव, अब चुप क्यों खड़े, कुछ कहिए ना। डॉक्टर शिव, कुछ बोलिए। क्योंकि यहां मामला मेरे भाई और तुम्हारे बहन का नहीं है, यहां मामला एक लड़के का है, जिसने एक लड़की को प्यार करने का वादा किया और उसे अकेला छोड़ दिया। अगर कीर्तन रिमझिम से प्यार करता है तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन अगर कीर्तन ने रिमझिम को भागने के लिए कहा और वहां खुद नहीं पहुंचा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग, और उसे इस बात का जवाब देना होगा। वो जरूर कहीं फंस गए होंगे, नहीं तो वो पक्का आते, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। रिमझिम, उस इंसिडेंट के बाद क्या तुम्हारी कीर्तन से बात हुई? कोई कॉल्स या टेक्स्ट का कोई रिप्लाई आया, कुछ हुआ?
देखो रिमझिम, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम कीर्तन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन जब प्यार एक तरफा होता है ना तो वो बहुत तकलीफ देता है। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो हमें प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला। हम खुद को कोसने लग जाते हैं कि हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, कि हमने अपने दिल का दरवाजा कैसे खोल दिया और कब कैसे कोई उसके अंदर दाखिल हो गया। और जब हुआ तब वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, सबसे बड़ी हार बन गया, सबसे बड़ा दर्द बन गया। रिमझिम, ये रिश्ता ऐसा है जिसमें हम सारी उम्र किसी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हम सच्चाई को फेस ही नहीं कर पाते कि शायद जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो इंसान हमारे लिए बना ही ना हो। देखो रिमझिम, मैं तुम्हें ऐसे रिश्ते में बनने नहीं दे सकता जिसमें दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे रिश्ते में एक इंसान आगे चलता रहता है और दूसरा पीछे चलते चलते रह जाता है। और उसे सिर्फ दर्द मिलता है रिमझिम, है ना शक्ति? शक्ति क्या हुआ? वो हमें लेके थोड़ी सेंसिटिव है ना, जब भी हम दुखी होते हैं तो इसकी आंख में से आंसू निकल आते हैं। शक्ति, तुम ना सच में एकदम अजूबा, कभी कभी इतनी स्ट्रांग होती हो और कभी कभी इतनी सेंसिटिव कि पूछो ही मत। देखो, हम कीर्तन से बात करते हैं, अगर गलती उसकी हुई ना तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं मैं उसे बख्शूंगा नहीं, लेकिन अगर उसकी गलती नहीं है तो मैं तुम दोनों के साथ हूं। अब चलें? चलो। शक्ति, क्या हुआ? मैं वहां आगे निकल गया और तुम पीछे ही रह गए। वो हम कुछ सोच रहे थे। जो भी सोच रही थी हम एक साथ सोचेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति आगे पीछे चलने के लिए नहीं बने, एक साथ चलने के लिए बने। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। चले हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, आप हाँ
इनके साथ सब ठीक है ना? वो तो आपसे बात करके पता चलेगा ना कि सब ठीक है या नहीं। हमारे परिवार के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, सबको लगता है कि वो रंजन की वजह से हुआ, लेकिन सच तो ये है कि इन सबके पीछे किसी और का भी हाथ था। आपका। जिसका डर था वही हुआ। इस चील की नजर मेरे बेटे पर पड़ी गई। डॉक्टर कीर्तन, आज आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने ही होंगे। शक्ति सही कह रही है कीर्तन, तुम्हें आज उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या बोल रही हो शक्ति? शिव्य, कौन से सवालों के जवाब? रिमझिम दीदी, तुम्हारे कहने पे दीदी शादी से भागी थी ना, और फिर वहां उस गैरेज में बंद हो गई। किसी ने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया। कहीं वो तुम ही तो नहीं थे? बताइए, क्यों किया आपने ये सब? क्यों नहीं चाहते कि दीदी की शादी हो? और सबसे बड़ी बात, तुमने दी को बोला था ना भागने के लिए, फिर तुम खुद वहां नहीं आए, क्यों? सच बताओ कीर्तन, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। शक्ति क्या पूछ रही है? ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। बताओ, अब खुलेगी इस कीर्तन की पोल और साथ में इसकी मम्मी की भी।